Assalamualaikum. Welcome back to another video, another interesting video of today. ICC ने कुछ rules निकाले हैं, कुछ उन्होंने नए laws create किए हैं, उसके बारे में आपको आगाह दे देते कि क्या वो rules हैं, क्या वो regulations follow करें. First point is ये है कि आपका stop clock. Stop clock का मतलब ये है कि अगर कोई bowler 60 second late हुआ, एक मिनट लेट हुआ अपने गार्ड में या अपनी उस जगह पे बॉलिंग कराने में, तो जो ओवर पिछला ओवर गुजरा है उसमें आपको 5 पेनल्टी रन्स बनेंगे. ठीक है, तो ये एक नया रूल निकाला आईसीसी की तरफ से कि इसमें ये जो है कि स्टॉप क्लॉक होगी, जिसमें आपको ट्रायल बेसिस में ओडीआई के वर्ल्ड कप के अंदर अगर कोई भी रूल्स के खिलाफ जाएगा, मतलब 60 सेकंड मतलब एक मिनट से ऊपर चला गया, तो 5 रन्स प्लेंटी बैटिंग टीम को मिल जाएंगे. दूसरा उन्होंने क्या निकाला है, दूसरा उन्होंने ये निकाला है कि भाई चेंज टू द पिच एंड द आउटफील्ड रेगुलेशंस. इसमें ये है कि बेसिकली अगर आप वेन्यू चेंज करते हैं, किसी भी सूरत पिच को डिस्ट्रॉय करते हैं, आउटफिट करते हैं, या पिच अमूमन आप चेंज करते हैं उस चीज की, तो आपको 5 नहीं डायर पॉइंट्स दे, आपको 6 डायर पॉइंट्स दिए जाएंगे, जहां पे आपके जो है वो 5 ईयर्स पीरियड का बैन लग जाएगा उस वेन्यू के अंदर. उस वेन्यू में आईसीसी नहीं अलाउ करेगा कि आप उसमें क्रिकेट खेल सकते हैं या करवा सकते हैं, बेशक जो सी मर्जी ग्राउंड हो, जो सी मर्जी पिच हो, जो सा मर्जी कंट्री हो जाए. इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग है कि आपने जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, वोमेन्स क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनको आईसीसी ने बैन कर दिया, ट्रांसजेंडर नहीं खेल सकते क्रिकेट के अंदर. आईसीसी ने ये रूल लगा दिया है कि वोमेन्स क्रिकेट के अंदर ट्रांसजेंडर जो है वो बैन है. ठीक है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के लिए अनदर बैड न्यूज कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को आपको पता है इंक्वायरी चल रही थी, फिर इंक्वायरी हट गई, उनको मेंबरशिप से हटा दिया गया था, और आईसीसी ने कहा है कि उनके जो फंड्स हैं वो क्लियर किया करेंगे और वो इंटरनेशनली बायलैटरल सीरीज खेल सकते हैं, लेकिन वो किसी चीज को होस्ट नहीं कर सकते भी. इस वजह से होस्ट नेशन जो अंडर 19 जो जनवरी टू फरवरी चलना था वो अब कर रही है साउथ अफ्रीका अंडर 19 की. तो श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ी झटका एक तरफ से कि साउथ अफ्रीका को देखिए, और वहां पे सवाल ये होगा कि वहां पे तो उनकी अपनी लीग भी होती है जनवरी फरवरी में, तो वो भी कोई मसला ना बढ़ जाए. तो उसके लिए भी सोल्यूशन निकाल दिया गया, जनवरी टू फरवरी अंडर 19 होगी साउथ अफ्रीका के अंदर. ये आईसीसी ने कुछ रूल्स निकाले, कुछ रेगुलेशन निकाले हैं, ताकि बहुत ज्यादा पिच की बहुत ज्यादा बैच चली है. सेमीफाइनल में भी इंडिया में चल रही थी, फाइनल में भी चली, उस पिच के अकॉर्डिंग भी उन्होंने कुछ निकाला है, और स्टॉप क्लॉक के रिलेटेड भी कुछ उन्होंने निकाल दिए. ठीक है, अब इसमें जो है इक्विवेलेंटली आईसीसी ने अंपायरिंग का भी बारे में भी बड़ा उन्होंने नजर रखी है कि साउथ अफ्रीका के मैच में आपको याद होगा पाकिस्तान के साथ अंपायरिंग इशू बहुत हुआ, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस निकाले हैं. तो आईसीसी अपने रूल्स और रेगुलेशंस पे चल रही है, तो अब देखने वाली बात यह है कि कैसे ये रूल्स फॉलो होते हैं, कैसे इसकी इम्प्लीटेशन होती है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और कैसे ये अमल दरामद होंगे. इम्प्लीटेशन तो होगी, लेकिन ये देखने वाली बात है कि ये रूल्स आएंगे जिस तरह टाइम आया था जिसमें मैथ्यूज लेट हुए थे, वो टाइमिंग वाला रूल फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आया था. तो अब देखते हैं कि कौन बॉलर्स, तो मुझे लगता है यहाँ पे 520 रन्स मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि मैच फंसा हुआ है, कप्तान है आपस में लगे हुए हैं, ठीक है, कोई ड्रेसिंग रूम से मैसेज दे रहा है, पैगाम दे रहा है, तो वो आपको पता चलेगा वो अप्लाईएबल हो सकता है. लेकिन आप कप्तान को, अब हर मैनेजमेंट को ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे लंबी डिस्कशन से आपको 5 रन देने पड़ेंगे जहाँ पे मैच फंसा होगा. ठीक है, वेन्यूज भी चेंज हो गए, वहाँ पे डेड पॉइंट्स भी आएंगे. तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, तो जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी खबरनाक न्यूज़ मिलती रहे. तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़.